इस्तीफा देने के बाद बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो 28 फरवरी को आगे की रणनीतियों का खुलासा करेंगे। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वो अगर गरीबों के हित में काम करेंगे तो उनका साथ देंगे। जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने के बाद हमारे संवाददाता राजेश कुमार से खास बातचीत की। नीतीश कुमार कल चौथी बार सीएम पद का शपथ लेंगे। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए कार्यवाहक सीएम जीतन राम मांझी जी हैं। मांझी जी, कल नीतीश जी शपथ लेने जा रहे हैं, उनको बधाई देंगे आप? निश्चित शुभकामना देंगे, हम निश्चित शुभकामना देंगे। वो जिस भी रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं तो उसके लिए बधाई देंगे। और ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी कारणवश, दबाववश, जो निर्णय पहले गरीबों के हित में उन्होंने लिया था वो आधा अधूरी थी, उसको पूरा करने के लिए हमने बहुत सा कदम उठाया और उस कदम पर आगे नीतीश कुमार जी बढ़ेंगे तो हम निश्चित शुभकामना देंगे कि गरीबों के हित में वो काम करेंगे। मांझी जी, जब भी आपके एक अन्य मार्ग निवास स्थान हम आए हैं, हमने सामने देखा है कि नीतीश जी की तस्वीर आदर्श के तौर पर उन्हें आप मानते थे, आदर्श लीडर के तौर पर मानते थे, क्या लगता है वो आदर्श के भाव अब भी रहेगा, वो तस्वीर अब भी आपके साथ ही रहेगी? देखिए, अभी हमने एक कहानी जुमला सिंह से बताया लोगों को कि अब ये दार्शनिक बात है कि कल हम नंगे होते थे, कल हम पढ़े लिखे नहीं थे या हम बहुत विचारवान थे और आज कोई कारण से हम गलत हो गए, तो जो कल थे आज नहीं, आज यहाँ से फिर अगला दिन में नहीं रहेंगे। परिवर्तन होते रहता है, समय होता है, नदी की धारा है, नदी की धारा आज कुछ आया, कल कुछ आया, परसों आया। तो नीतीश कुमार के फोटो जिस रूप में हम रखे हुए थे आज भी फोटो है और रखेंगे, वो नीतीश कुमार को जिन्होंने समाज को एक कंसेप्शन दिया, ठीक है उसमें हमारा भी योगदान था, हमने उनको कहा था बहुत सी बातों को उन्होंने की थी, जिन बातों को लालू यादव से हमने एक्सपेक्ट किया था और लालू यादव में बात नहीं की थी, उस बात को नीतीश कुमार जी आगे बढ़कर किए, जिसमें महादलित की बात आई, महादलित आयोग की बात आ गई और लोगों के लिए बात, लेकिन सारी बात आधी अधूरी थी। दो उदाहरण हम देना चाहते हैं, आधी अधूरी ये थी। अब मान लीजिए कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 रुपया फर्स्ट डिविजनर को उन्होंने कहा कि हम प्रोत्साहन भत्ता देंगे, हमने उनको कहा था कि फर्स्ट डिविजन पास करने वाले 10-20% ही गरीब के लोग होते हैं, प्रायः अमीर के बच्चे होते हैं या जिसका गार्जियन ऐसा होता है कि उसको किताब प्रोवाइड करता है, उसको जाने का स्कूल का वाहन देता है, बढ़िया से ट्यूशन फी दे पाता है, कपड़ा लत्ता दे देता है, या पैरवी भी कर करके बाल बच्चों को फर्स्ट डिवीजन लाता है, तो वो सब गरीब नहीं करता, वो 10-20% लोग करता है। 70% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अपने मेहनत से, जिसको पढ़ने के लिए किताब नहीं, स्कूल जाने का समय नहीं और अनेक काम मेरे ऐसा जैसे बेगारी कर करके हम लोग पढ़े थे, और वो अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं सेकंड डिवीजन लाता है और गरीब है तो मदद उसको जरूरत थी, फर्स्ट डिवीजनर को जरूरत नहीं थी। इस बात को हमको उनको समझाया था, हमारी बात उन्होंने नहीं मानी थी और आते आते हमने वैसा कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो जो भी काम उन्होंने किया आधा अधूरी या समाज को सिर्फ दिखलाने के लिए, लोलुपों के लिए उन्होंने किया था, और ऐसा करके हम जनरल समाज में इंस्ट्रक्शन दिया कि एक गरीब लोग को जरूरत है उसको दीजिए। दूसरा उदाहरण है जो हमने कहा है एक चैनल को कि उन्होंने 3 डिसमिल जमीन दी, 3 डिसमिल में चल करके जरा मकान बना के कोई दिखा दे तो, और 20,000 रुपया उन्होंने कहा, 20,000 रुपया में जरा जमीन खरीद करके बता दे तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया, इसका एक मोमेंटम भी पकड़ा, अच्छा भी लगा, लेकिन जब व्यवहार में आने लगा तो सब लोग माथा पर हाथ रख दिया, कहा भाई जमीन मिल रही है तो कोई टाटी कुल दे रहा है, कोई नदी का कछार दे रहा है, इसका मतलब है कि मकान नहीं बन रहा है। जीतन मांझी ने कहा था उनको कि 5 डिसमिल कीजिए और ओपन कीजिए कि हम बाजार रेट में देंगे, हमारी बात तो उन्होंने नहीं मानी। जीतन मांझी को मौका मिला तो आज 5 डिसमिल कर दिया, अब बाजार रेट पर उनको मकान के, कि जो भी मकान होगा बढ़िया से लोग बनाएगा, इज्जत के साथ हो रहेगा। तो एक गाली गरीब की बात करते हैं, गरीब की बाहरी बात को न पहचानिएगा तो कैसे करेंगे। आज हमने करके दिखा दिया है, इस चीज को आगे नीतीश कुमार बढ़ावेंगे, हम उनको धन्यवाद दें, और अगर बढ़ावेंगे नहीं इसी चीज को लेकर समाज में हम जाएंगे कि तुम्हारे लिए हमने सोचा और ये 10 गो जो लोग हैं उनके ये साजिश में आकर के संख्या बल दिखला करके और वहां पर अत्याचार कर करके दहशत फैला करके आज इन्होंने इस प्रकार की सत्ता हासिल की है। ऐसे हालात में पार्टी से फिलहाल आप लोगों को निष्कासन कर दिया गया, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में आप लोग फिर से पुराने घर में वापसी आपकी होगी, क्योंकि आप बार बार ये मान रहे हैं कि आदर्श पुरुष हैं आपके नीतीश कुमार? आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन इतनी बात मैं मानता हूं कि न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में जो गरीबों के लिए अकलियतों के लिए एक विचारधारा हमने दी है उसका एक बड़ा असर पड़ रहा है। सब लोग हमको थैंक्स दे रहे हैं कि आपने एक ऐसी बातें की है जिससे नीचे तबके के लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से हैं उनमें एक उत्तेजना आई है और इस चीज को आप बरकरार रखिए। आप मुख्यमंत्री रहे मंत्री न रहे कोई बात नहीं, यू विल बी द चैंपियन ऑफ द कॉमन मास। हम इस चीज को मानते हैं। मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री के लिए हम कभी नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोचते हैं। अगर इस हमारे विधायक विधानमंडल की बैठक हुई उसमें आप वो अलग हिस्सा है, इस चीज को पहले सुन लीजिए कि अगर इस चीज को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी साथ देंगे हम उनको धन्यवाद देंगे, और नहीं साथ देंगे तो हम अलग ही रह करके अपने कुछ मित्रों के साथ समूचे समाज में जाएंगे और उन कहेंगे कि देखिए ये सिर्फ नारा देते थे, इनका चेहरा कुछ ऐसा है कि दूसरे के दबाव में आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, और जब हम दूसरे के दबाव से बाहर होकर के कुछ करने की बात आ गई तो ये पुनः वो सत्ता के लोभ में आकर के हमको हटाने का इन्होंने काम किया। नहीं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे माझी जी कि विधानमंडल की बैठक होती है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुना जाता है, उसी रात आप दिल्ली चले जाते हैं, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होती है, तो क्या वहां से कुछ आपको आश्वासन मिला था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? अब इस पर हंसी आती है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम दिल्ली गए थे। नीति आयोग की बैठक थी, नीति आयोग की बैठक में हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्री थे, तो क्या मान गए थे कि हम उसी दिन मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस बैठक में हम नहीं जाते? और बैठक में हम गए तो हम अपना बिहार के दावा को प्रस्तुत किया, और वो दावा दोनों प्रस्तुत किया है जिसके बारे में हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने नीति आयोग के एजेंडा में शामिल किया है, चाहे स्वच्छता की बात की हो या गंगा के पानी को जो आपको यहाँ से बनारस से चुनारगढ़ के बीच में नहर निकाल करके मोकामा टाल में मिलाने की बात है जिसमें 10 जिलों को फायदा होगा, जो सुखाड़ में रहता है उसका फायदा होगा, और गंगा का पानी अगर बाढ़ की स्थिति में अगर उधर डाइवर्ट हो जाएगा तो इधर बाढ़ भी नहीं आएगी। इस चीज को उन्होंने नीतिगत निर्णय लिया, इसके लिए धन्यवाद। तो का ऐसा काम के लिए हम मुख्यमंत्री के नीति प्रधानमंत्री के नीति आयोग में नहीं जाते, अब जिसको गए तो आप लोग पोलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं, वो पोलिटिकलाइजेशन नहीं था। नहीं, सवाल ये कि आप लगातार दावा कर रहे थे कि आपके साथ 40-50 विधायक हैं, लेकिन वो नजर तो आया नहीं, बहुमत साबित करने से पहले ही आपने इस्तीफा दे दिया। आज भी कह रहे हैं कि अगर गुप्त मतदान होएगा तो हम 140 से ऊपर विधायक हमारे साथ हैं आज भी। क्या वजह, खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहा? आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमने गुप्त मतदान की बात की थी, ये विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भर में गुप्त मतदान के अलाव नहीं करते नीतीश कुमार जी के कहने पर, क्योंकि जानते थे कि गुप्त मतदान हो जाएगा तो लोग वोट विरोध में कर देगा, और वो नीतीश कुमार जी के कहने पर कुछ भी करने को आमादा है, कई काम उन्होंने किया। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, स्पीकर ने साफ तौर से कहा कि जो भी कार्य किए हैं वो नियम के अनुकूल किए हैं, संवैधानिक तरीके से किए हैं। संवैधानिक तरीके से कहते तो फिर कोर्ट में उनका वो आदेश को जिसको नीतीश कुमार जी को उन्होंने नेता मान लिया था तो कैसे ये किया था? नहीं, आपने कल गंभीर आरोप लगाया था, सीटिंग व्यवस्था उचित नहीं थी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो कार्रवाई है, सदन के अंदर जो तस्वीर है उसके एक तस्वीर के तहत तमाम लोगों की सीटिंग व्यवस्था की गई। सूक्ष्म अन्वेषण की जरूरत है जिसको कि हम समय नहीं है कि बताएंगे, आप भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसके अंतःकरण में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस कंस्पिरेसी के तहत सिटिंग एडजस्टमेंट हुआ था वहां पर, और किस कंस्पिरेसी के तहत ये चीफ व्हिप का हमारा जो आदेश था उन्होंने नहीं माना। उनको मानना चाहिए था, नियम अगर जानते हैं तो नियम नहीं जानते हैं कि चीफ व्हिप का मनोनयन कौन करता है, और चीफ व्हिप का मनोनयन जब मुख्यमंत्री ने किया तो कौन नियम के तहत राजीव रंजन जी को उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, तब क्या क्या बताते हैं? तो कभी करेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसी का जवाब हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं नोटिफिकेशन किया था राजमेंद्र जी को? चलते चलते आखिरी प्रश्न, आगे का क्या करेंगे? आगे 28 तारीख को हम लोग अपने समर्थकों के साथ मिल रहे हैं और उस दिन आगे की रणनीति हम लोग अपनाएंगे। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है, अब 28 तारीख को देखना होगा कि जो पुराने लोग हैं जनता दल यू के तमाम लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और एक नई रणनीति के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस समय कैमरामैन एमपी सुमन के साथ पटना से राजेश कुमार।